जैसे आप अपनी ज्वाइनिंग को लेकर धरने पर बैठे, ऐसे ही जो लोग आपकी योग्यता पर प्रश्नचिन्ह लगाते हैं तो उनको सोशल मीडिया पे जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? बिल्कुल जी। देते हो या नहीं देते हो? देते हैं। अच्छा, मुझे कोई नजर नहीं आया कभी कोई, मैं लगभग लगभग अभी अच्छे से दे देंगे सर। हाँ, वो ठीक है। मैं इतने ग्रुपों में जुड़ा हुआ हूँ, ये मान के चलिए लगभग एक दिन मैंने तो लगभग 1400 ग्रुप तो एक दिन मैंने गिने थे। तो जब मैं 1400 ग्रुप में मिला, हाँ ये ठीक है कि वो सभी नहीं देख पाता हूँ, कभी दिन में 2-4 ग्रुप चेक कर लिए। तो अब नजर आएंगे ना आप लोग? हाँ, अपने ग्रुप में नहीं, आप अपने अलावा गांव के ग्रुपों में भी जुड़े होंगे, कम्युनिटी के आधार पे भी ग्रुपों में जुड़े होंगे, कोई सामाजिक इशू है प्रदूषण का, कोई गौशाला वाले विषय, इनके भी अलग अलग ग्रुप बने होते हैं, कम्युनिटी के ग्रुप बने होते हैं, पीछे सरदार भाई बैठे इनका ग्रुप होगा, कोई जाति के आधार पे भी ग्रुप होते हैं। तो मुझे लगता है कि कोई अगर हमारे विश्वास को और हमारी योग्यता पे प्रश्नचिन्ह लगाता है उसको वास्तव में उसका जवाब देना ही चाहिए। कि एक, क्योंकि मैं तो ऐसे ऐसे उदाहरण देता हूं, अब तो ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे हैं कि जैसे हमारी सरकार में पहले भी 5500 की भर्ती हुई थी पुलिस मेल की, मधुबन में उनकी ट्रेनिंग थी। ऐसे ऐसे प्रकरण आए थे कि वहां जो दाढ़ी होती है, मेल के लिए बात है कि आप दाढ़ी कराते हो तो उनका नियम है, जो मुझे उस समय सीआईडी चीफ ने बताया था, एडीजीपी सीआईडी थे, उन्होंने कहा जी 5 रुपए में, वैसे वो फ्री है परंतु फिर भी सभी ने तय कर रखा है कि यार हम 5 रुपए हम जो दाढ़ी बनाने वाला उसको देंगे, वैसे तो वो सरकार की तरफ से होता है। तो उनमें से एक लड़के ने कहा कि भाई मेरे पास आपको डेली 5 रुपए देने के लिए नहीं है, जब मेरी ट्रेनिंग हो जाएगी, मुझे तनख्वाह मिल जाएगी, तब मैं आपको 5 रुपए इकट्ठा देके जाऊंगा। तो ऐसे ऐसे परिवारों के बच्चे वहां पिछली हमारी भर्ती में पहुंचे थे। एक और अंबाला का, वहां का कि वो बेचारा धान उगा रहा था, मजदूरी कर रहा था, उसके पास खुद के खेत नहीं थे, दूसरे के खेत में जाके मजदूरी कर रहा था और वो अपनी धान को उगा रहा था। उसको जब फोन किया गांव के सरपंच ने कि भाई तू तो सिपाही भर्ती हो गया, तो उसको विश्वास ही नहीं हुआ। उसने कहा क्यों मजाक कर रहे हो सरपंच साहब? उसने कहा अरे भाई सच में तो सिपाही भर्ती हो गया। वो गया, उसके पास पैसे नहीं थे मधुबन तक आने के, उस पैसे के सरपंच ने उसको 1000 रुपए दिए थे। तो जो कम से कम ऐसे लोग हैं, जब इतनी कठिन विपरीत परिस्थितियों में आप अपनी मेहनत के आधार पर यहां तक पहुंचे और उसके बाद कोई आपको बेईमान कहता है, चोर कहते हैं, अयोग्य कहते हैं, और उसके अब तक तो मुझे लगता है आप सबका धर्म बनता है ऐसे लोगों को सबक सिखाना, क्योंकि आप सब लोग हो जो अपने आस पड़ोस में रहने वाले लोगों के लिए आइडियल बने हो। जिस दिन से आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी ना, अभी तो आप संघर्ष में हो, जिस दिन से आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी या आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, उस दिन उदाहरण देंगे या लगातार दिया होगा जब आपकी भर्ती होगी, कि उसकी बेटी को देखो कितने सिंपल परिवार से, पर पढ़ती थी ना, उसके पैसा देने के लिए ना उनकी कोई अप्रोच, और बच्ची असिपाही भर्ती होगी और अपने गरीब के परिवार का पालन पोषण करती थी। अब जो बच्ची मेरे से साथ सुनीता के अलावा दूसरी बच्ची थी, क्या नाम आपका? वंदना। अब हम 4 लोग आपके आने से पहले, प्रवीण जी ने, सुनीता जी ने और वंदना जी ने, और मैंने आपसे चारों में बात की। अब जो गाड़ी थी मेरे पास वो सिंपल सी गाड़ी थी जिसका सिस्टम बड़ा सिंपल है। अब सुनीता ने अपनी खिड़की खोल ली, प्रवीण ने अपनी खोल ली, इस बेचारे को खिड़की खोलनी नहीं आ रही थी। कारण क्या है कि ऐसा कभी अनुभव नहीं मिला होगा, तो मैंने यही कहा जब उतरी थी, मैंने कहा चिंता न कर, कुछ दिन बाद गाड़ी में घूमेगी। तो हम सब ऐसे परिवारों के बच्चे हैं और फिर हमें कोई ये कहता है तो मुझे लगता है कि वो आपकी प्रतिष्ठा का और आपकी योग्यता का अपमान करता है। ऐसे लोगों को जरूर सबक सिखाना चाहिए, अमर्यादित कभी नहीं बोलना, गाली गलौज किसी के साथ नहीं करना, किसी जाति के ऊपर कभी कोई टिप्पणी नहीं करना, किसी धर्म के ऊपर कभी कोई टिप्पणी नहीं करना, किसी को कभी देशद्रोही नहीं कहना। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए फिर बाकी जैसे मर्जी उसको ठोक सकते हो, ठोकना चाहिए, कह देना चाहिए कि भाई तू इसको करके दिखा दे, हम जो करके गए हैं, और जैसे भी हो। तो आप जानते हो हरियाणा के बच्चे हो, धाकड़ बच्चे हो, जो आप तो देना ठोकते ही हो, ठोकना तो आता है ना सबको,
नहीं ठोक सकते तो यहाँ नहीं पहुंचते। ठोकना केवल मुक्का मारना थोड़ी होता है, आपने मेहनत की है तो ये भी ठोका है, अयोग्यों को ठोका है, जो सोचते थे कि पेपर लीक करा लेंगे वो करा लेंगे उससे चले जाएंगे, उनको ठोककर आप योग्यता के आधार पर अपने आए। तो बस मेरा ये था कि मैंने आपका धरना समाप्त कर चुका, फिर भी आप लोगों से बातचीत करते रहना चाहिए। और इसके बावजूद भी कभी भी आपको हरियाणा सरकार से संबंधित, किसी विभाग से संबंधित आपके पास कोई आइडियाज है जिससे हम सरकार की नीतियों को और बेहतर कर सकते हैं, हम गरीबों के लिए बहुत काम कर रहे हैं, जिनकी एक लाख से नीचे आए उनके लिए अलग से नंबर दे रहे हैं, जिस परिवार में कोई नौकरी नहीं है उनको अलग से नंबर देते हैं, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे वो बच्चे आएंगे जिनके परिवारों को कभी कोई अवसर नहीं मिला, उनका हक थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ऐसे भी कभी भी आपको कोई लगे, केवल ये नहीं है कि हमारा आपका संबंध आज केवल इस धरने तक था और दो दिन चार दस दिन में आप अपनी ज्वाइनिंग करोगे तो हम एक दूसरे के संपर्क में नहीं रहेंगे, हम फिर भी संपर्क में रहेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से रह सकते हैं, मुझे कोई आप मैसेज भेज सकते हो, टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हो, तो आपका इसके अलावा भी हमेशा स्वागत रहेगा कि जहां आपको लगे कि कुछ गलत हो रहा है किसी अधिकारी के द्वारा, किसी पॉलिटिकल व्यक्ति के द्वारा, हमसे भी कोई गलत कर रहा है, हमारा भी व्यक्ति कोई गलत कर रहा है, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, ऐसी भी जानकारी हम तक पहुंचाते रहिएगा, क्योंकि आप सरकार के आंख नाक कान हो, जब सरकारी जिम्मेवारी आएगी, जब भर्ती पहनोगे तब तो आप एक शपथ को लेकर उस चीज को निभाओगे, परंतु बगैर शपथ भी हम सब एक जिम्मेवार नागरिक हैं, इसके नाते जो जो चीजें आपको लगता है कि वो बेहतर कराई जा सकती है वो आप करते रहेंगे, हम संपर्क में रहेंगे। आज आप सब जाओगे, कुछ आज जाओगे, कई कुछ जाओगे, ध्यान से जाना, सावधानी से जाना, कोई टू व्हीलर में आए तो कोई ये मत मान लेना कि पुलिस में भर्ती हो गया तो हेलमेट नहीं लगाऊंगा, ठीक है, सावधानी से, ठीक से और ढंग से जाना, क्योंकि सबसे अधिक दिक्कतें रोड एक्सीडेंट की होती है, और आपने तो आगे चल के हम जैसे को बताना है गाड़ी रोक के कि जी आपकी हाई बीम जली हुई है, चालान कर लो इसका या सीट बेल्ट बांध लो। मैं अपने जो पीएस होते हैं उनको भी सीट बेल्ट नहीं लगाने की छूट नहीं है हमारे यहाँ, सबको लगाना ही पड़ता है। तो आप जिम्मेवार नागरिक हो ही और उसके नाते उसमें अपनी भूमिका निभाते रहो, हमें जो जो फीडबैक दोगे उसके आधार पे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार काम करते रहते हैं, और एक दिन हम ऐसा भी कर लेंगे अगर आप सबका डेटा हमारे पास हुआ तो एक दिन शनिवार को, हर शनिवार को माननीय मुख्यमंत्री जी अनेकों ग्रुपों से 20 मिनट के लिए सोशल मीडिया पे जुड़ते हैं, तो एक दिन आपका ग्रुप जोड़ लेंगे जिसमें ये 6500 के 6500 बच्चे होंगे, 6600 हाँ लड़कियां लड़के दोनों में। लो भाई अपने आज अपना जो धरना था, धरना समाप्त करते हुए बिल्कुल उतार दो भाई आराम से और बिल्कुल अच्छे तरीके से फोल्ड कर दो, इस बात में और इस एहसान में सिर पर रख कर चलेंगे, ठीक है, और जब जब भी अपन सेवा का मौका मिलेगा या उधर गुरुद्वारा में करे चक्कर लगा तो आप किसी भी अपने सहयोग जो अपना सामर्थ्य है आराम से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, देखते रहूंगा सारे भाई, इस बात में ध्यान में रखियो भाई, बात समझो भाई, ठीक है, दो बात ये है भाई, तीसरी बात आ रहा है मीडिया का, मीडिया में जो सहयोग लिया है ठीक है भाई साहब, बढ़िया तरीके से रख दो उसने।